अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊं तो तुम्हारे फोन की भी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे यूपी डीएलएड बीटीसी एडमिशन 2024 लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 7 नवंबर 2024 की। बड़ी अपडेट में सबसे पहले बात करेंगे आज की आवेदन स्थिति है क्या। जी हाँ, आपके मन में ढेर सारे सवाल होंगे। अब दोस्तों बात आएगी च्वाइस फिलिंग हेल्प फाइल। पूरी अपडेट हम आपके सामने रखेंगे कि अब आगे का प्रोसेस कैसे करना है। सबसे पहले हमें स्टेट रैंक डाउनलोड करनी पड़ेगी, क्योंकि स्टेट रैंक के हिसाब से ही आपको च्वाइस फिलिंग या काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा। जिन बच्चों की रैंक 1 से लेके 20,000 के अंदर होगी या 20,000 तक होगी, उन बच्चों को पहली राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने का पूरा मौका दिया जाएगा। तो सबसे पहले दोस्तों आपको स्टेप वन में जनरेट ओटीपी करना पड़ता है। इसके लिए आपको 5,000 रुपये खर्चा करना पड़ेगा, ठीक है। तो टोटल जो बोला जाता है ना 10,000 रुपये लगता है, तो ये ओटीपी जनरेट, ये पहला प्रोसेस। फिर आप लोग अपने मन से जो भी कॉलेज को फिल करना चाहें उसको फिल कर सकते हैं। फिर च्वाइस लॉकिंग होती है, इसके लिए ठीक है आप अपने मन का कॉलेज को लॉक करेंगे और लास्ट में जिस भी कॉलेज को आपने दिया है उसको अलॉटमेंट रिजल्ट के रूप में डाउनलोड करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कुछ बच्चों के कमेंट्स हैं, उसको हम इस वीडियो में देखेंगे। और डीएलएड प्रशिक्षु अगले महीने करेंगे निपुण मूल्यांकन, ये क्या अपडेट है। शिक्षक भर्ती का यह प्रस्ताव पर आरक्षण मामला जो मसला है वो अटक रहा है, ठीक है। 1894 पदों पर एडेड जूनियर हाई स्कूल में भर्ती का मामला। शासनादेश में जिला स्तर पर आरक्षण देने का है प्रावधान, प्रबंधकों ने स्कूल स्तर पर आरक्षण का भेजा है अधियाचन। तो इतनी पुरानी वैकेंसी आज तक फंसी पड़ी है, देख सकते हैं। आपको पता है 1894 पदों पर शिक्षक भर्ती की विज्ञप्ति 2021 में जारी हुई और लिखित परीक्षा 17 अक्टूबर 2021 को कराई गई। जरा एक बात ध्यान दीजिए, हम आपको बताना क्या चाहते हैं। 2021 की भर्ती, बच्चे एग्जाम कब दिए थे देख सकते हैं, 17 अक्टूबर 2021। फिर उसके बाद दोस्तों आया होगा 17 अक्टूबर 2022, फिर आया होगा 17 अक्टूबर 2023, ठीक है, और 17 अक्टूबर 2024 भी निकल गया। तो आप सोचिए, ये 3 साल से बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं, ठीक है, इतना समय बीत रहा है और 2025 आने वाला है। तो इंतज़ार करना पड़ता है, सब्र करना पड़ता है। देखिए आजकल वैकेंसी फंसा दी जाती है, अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं रहेगा तो आप लोग बीच में ही छोड़कर इसको भाग जाएंगे, ठीक है। सब्र करेंगे, सब्र का फल अच्छा मिलेगा। एक और खबर आती, बुलडोजर से रातों रात किसी का घर नहीं गिरा सकते, शीर्ष कोर्ट से अपडेट आई। यूपी सरकार को फटकार लगी है, पीड़ित को 25 लाख रुपये मुआवजा देने और जिम्मेदार अधिकारियों पर आपराधिक कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया गया, ठीक है। कुछ मीटर कब्जे के लिए पूरा घर गिराने का औचित्य नहीं है। तो पूरी अपडेट को हम वीडियो में देखेंगे, ठीक है। अगली अपडेट देखिए, ट्रांसफ़र की प्रक्रिया 7 नवंबर से शुरू होगी और 22 नवंबर तक चलने वाली है, ठीक है। ये पटना से अपडेट है। तो यूपी के बच्चे बिहार में भी जाकर नौकरी कर रहे हैं और बिहार से बच्चे इस बार यूपी मार रहे हैं डीएलएड में एडमिशन के लिए भी। डिस्टेंस से 18 माह का डीएलएड करने वालों का भी हो गई नियुक्ति। मुजफ्फरपुर समेत 5 जिलों में ऐसे शिक्षकों का मामला सामने आया है। तो भैया देख सकते हैं, 2 साल के डीएलएड पर ही होनी थी नियुक्ति, मांगी गई साक्ष्य रिपोर्ट। तो आपको बता दें, एक डीएलएड का कोर्स एनआईओएस से 18 महीने का हुआ, ठीक है, और आप लोग का जो डीएलएड का कोर्स होगा वो 24 मंथ का होगा, 2 साल, ठीक है। तो ये वाला मान्य होगा और ये वाला माना नहीं गया। तो आप लोग छोटी छोटी गलतियां करते हैं, और देख सकते हैं यहाँ पर क्लियर लिखा है, कोर्ट ने दिया था आदेश 18 महीने का प्रशिक्षण नहीं होगा मान्य। तो कुछ बच्चों ने वो भी किया होगा, उनका नुकसान हुआ ना। आप लोग की स्टेट रैंक कुछ ऐसी सो होगी जहाँ पर आपकी स्टेट रैंक की डिटेल्स आएगी। चलिए एक बार हम लोग ऑफिशियल वेबसाइट पर भी चलते हैं यार, देखते हैं क्या हो रहा है वहाँ। देख सकते हैं दोस्तों, इसको रिफ्रेश करते हैं। यहाँ पर उत्तर प्रदेश डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश प्रयागराज, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं 25 अक्टूबर तक डेट दी गई है, जो कि लास्ट डेट थी। एक बात और, अगर अब आप लोग प्रिंट फाइनल एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक कर रहे हो ना क्लिक हियर पर, तो भैया पेज ब्लैंक हो जा रहा है। तो इसीलिए हमने आपसे बोला था समय से निकाल लीजिएगा, अगर आपने इसको डाउनलोड नहीं किया है तो अब आप लोग को दिक्कत होने वाली है। तो यहाँ पर एक और चीज़ थी, डीएलएड एक्टिविटी में हम लोग आते हैं।
जहां पर आपका रजिस्ट्रेशन नो योर रैग, तो ये लिंक अभी भी एक्टिवेट नहीं हुआ है, इसका इंतजार है, ठीक है, लेकिन ये बहुत ही जल्द एक्टिवेट कर दिया जाएगा। अब आप लोग को ज़्यादा प्रतीक्षा, आपसे ज़्यादा वेट नहीं कराया जाएगा, ठीक है। आपने ऑलरेडी इतना ज़्यादा वेट किया है, 2024 लगभग समाप्ति की ओर है, ठीक है। नवंबर का महीना बीता, दिसंबर बस खत्म, 2025 में आ जाएंगे हम लोग। तो जिस हिसाब से अब लग रहा है, जो पहली क्लास हमारी 12 दिसंबर से शुरू होनी थी, अब उसमें डीले होना लगभग तय लग रहा है, ठीक है। और हो सकता है कि ज़्यादा डीले होगा तो आपकी पहली क्लास 2025 में शिफ्ट होगी। लेकिन आपको बता दें, अगर 12 दिसंबर से हमारी पहली क्लास स्टार्ट हो जाएगी तो आपका सेशन 12 दिसंबर से शुरू मान लिया जाएगा और इसी हिसाब से आपका 2 साल कंप्लीट माना जाएगा, ठीक है। तो जितना ज़्यादा सेशन लेट, पहली क्लास इंपॉर्टेंट होती है, इसको शुरू होना जरूरी है। बाकी आप लोग क्लास करिए मत करिए, एग्जाम उतना कठिन नहीं आता है, ठीक है। पेपर तो अब दोस्तों देख सकते हैं, ये वाला जो था प्रिंट फाइनल एप्लीकेशन फॉर्म, अगर आप इसको नहीं किया है, मतलब इसमें क्लिक करते हैं तो आपको मिलता क्या, आपको ये वाली PDF मिलती है, DLED प्रशिक्षण 2024 रजिस्ट्रेशन विवरण, जहाँ पर हाई स्कूल इंटर ग्रेजुएशन की आपकी सारी डिटेल्स होती। अब आप लोग इसको भैया घुमा मत दीजिएगा, खोआ मत दीजिएगा, ठीक है, गायब ना होने पाए, नहीं तो बाद में दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, आपके यहाँ पर फोटो की सिग्नेचर होगा, ठीक है। ये दोस्तों विज्ञप्ति रही, कार्यालय सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश, ठीक है। यहाँ पर रैंक की दोस्तों डिटेल्स होगी, आपकी रैंक 1 से लेकर 20,000 तक, इसी हिसाब से आपकी काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू कराई जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले ये सब पिछले साल का था, इसलिए इसको भी डेट मत ध्यान दीजिए, तो इस हिसाब से होता है। देखिए और क्या डिटेल्स है इसके लिए, स्टेट रैंक 1 से लेकर 2,40,000 तक के अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण संस्थान का विकल्प भरने हेतु ₹5,000 मात्र का ऑनलाइन भुगतान करने की तिथि, ठीक है। मतलब 15 सितंबर से 3 अक्टूबर तक की डेट दी गई थी, तो लगभग आपको 15 से 20 दिन का समय दे दिया जाएगा इस बार भी, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये डिटेल्स थी, प्रशिक्षण हमारा जो प्रारंभ होने वाला था 12 दिसंबर 2024 से था। तो कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट की लिस्ट ध्यान दीजिएगा, अलॉटमेंट लेटर जो ₹10,000 पेमेंट करके आपको मिलेगा, आवेदन पत्र का प्रिंट आउट या वैकल्पिक को हटा दीजिए, हाई स्कूल का रिजल्ट और सर्टिफिकेट वही आजकल एक ही में रहता है, कोई दिक्कत नहीं है, इंटरमीडिएट का रिजल्ट और प्रमाण पत्र, जो आपका ओरिजिनल रिजल्ट है बस आप उसको ध्यान दीजिएगा, वह रखिएगा। सातवें नंबर पर आपका ग्रेजुएशन का रिजल्ट और प्रोविजनल लगेगा आपका, ठीक है। डिग्री अगर आपको नहीं मिली है तो निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, EWS, दिव्यांगता, भूतपूर्व सैनिक या स्वतंत्रता संग्राम सेनानी प्रमाण पत्र, बाकी जो ₹200 आपके शेष बचेगी, देखिए सरकारी कॉलेज की फीस होती है 10,200, आप एडवांस में 10,000 जमा कर देंगे, बाद में 200 जमा करना पड़ेगा, ठीक है। प्राइवेट कॉलेज की फीस 41,000 होती है, आप एडवांस में 10,000 जमा कर देंगे, बाद में कितना जमा करना रहेगा, ₹31,000, ठीक। पहचान हेतु आवेदन पत्र में अंकित विवरण के अनुसार व्यक्तिगत पहचान पत्र, ये आपका लगेगा, ठीक है। उसके बाद शपथ पत्र लगेगा, आधार कार्ड लगेगा। तो फॉर्म भरते समय जब आपने अपना फॉर्म भरा होगा, ठीक है, तो उस समय आपने कोई ना कोई ID डाली होगी, वहाँ पर आपने आधार कार्ड नहीं दिया होगा क्योंकि वहाँ पर आपसे आधार कार्ड मांगा ही नहीं गया था, ठीक है। तो इतनी डिटेल्स हो गई, चलिए अब आप लोग के कुछ कमेंट्स को देख लेते हैं। तो आप लोग अपने कमेंट्स करते रहिए और देखिए सब्र बनाए रखिए और परेशान मत होइए, सब कुछ सही होगा, थोड़ा सा सब्र करना पड़ता है, तो हमने आपको इसलिए ये वाला चीज़ें दिखाई ना कि कितना सब्र और बच्चे कर रहे हैं, ठीक है। सर मेरा 214 प्राइवेट कॉलेज आराम से आपको मिलेगा, 15 नवंबर के बाद ही काउंसलिंग होगी, ठीक है। सर मैंने रजिस्ट्रेशन करा दिया लेकिन साइट पर अब मेरी प्रोफाइल नहीं दिख रही है, पहले दिख रही थी, साइट की प्रॉब्लम है क्या ये? जी हाँ बिल्कुल, ये सही बात है, ये वेबसाइट की दिक्कत है। DLED 4 सेमेस्टर एग्जामिनेशन फॉर्म कब भरा जाएगा? सब्र करिए, बहुत ही जल्द अभी रिजल्ट आने दीजिए पहले, उसके बाद हमारा स्क्रूटनी का प्रोसेस होगा 1st और 3rd सेमेस्टर में, उसी के दौरान आप लोग का फॉर्म आ जाएगा 2nd और 4th। सर 248 जनरल में आराम से आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, सर क्या एक बार फिर डेट एक्सटेंड हो सकती है? देखिए अगर अभी तुरंत प्रोसेस शुरू नहीं किया जाएगा स्टेट रैंक के आगे का, तो एक बार आपको और मौका दिया जा सकता है। 210 नंबर है, गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल पाएगा सर आपको प्राइवेट, थैंक्स सर आपका वेलकम है। मेरा 235 है, जी हाँ आपका पूरा चांस बनेगा कि आपको गवर्नमेंट मिल जाए, लेकिन डिपेंड यह करेगा कि आपके ज़िले में कितने ज़्यादा बच्चे 235 वाले हैं। DLED डेट एक्सटेंड न्यूज, जी हाँ सब्र करिए, फिलहाल आपको कट ऑफ को लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है। देखिए सिंपल सी बात है, गवर्नमेंट कॉलेज को हम लोग क्या बोलते हैं, DIET डाइट कॉलेज, और एक होता है प्राइवेट कॉलेज जिसको निजी या जो भी कहिए आप, सरकारी नहीं। सरकारी कॉलेज के लिए 240 प्लस जनरल कैटेगरी, प्राइवेट कॉलेज के लिए 200, ठीक है। और अच्छे प्राइवेट कॉलेज की हम बात कर रहे हैं,
फिर उसके बाद आरक्षित वर्ग में 235 प्लस में सेफ जोन रहेगा, यहाँ पर आ जाएगा 190, ठीक है। और उसके बाद 215 प्लस आरक्षित वर्ग में हम लोग और डाउन आ रहे हैं, तो यहाँ पर लगातार ये घटता जाएगा क्रम, ठीक है। इस हिसाब से जैसे मान लीजिए यहाँ पर जनरल कैटेगरी से जो बच्चे आते हैं या यू आर कैटेगरी से, यहाँ पर ई डब्ल्यू एस कैटेगरी से कोई बच्चे आते हैं या ओ बी सी कैटेगरी से, यहाँ पर एस सी कैटेगरी देखा जाएगा इस तरह, ठीक है। और एस टी कैटेगरी फिजिकल हैंडीकैप में 200 या 210 प्लस, कुछ ऐसा ही सेफ जोन आपको देखने को मिलेगा। अगर फॉर्म भरते समय अगर आपसे मिस्टेक्स होगी तो अब क्या किया जा सकता है, अब दोस्त आपके पास कोई विकल्प नहीं है, अब उसमें आप कोई भी करेक्शन नहीं कर सकते, ठीक है। 12वीं पास छात्रों के साथ नाइंसाफी तो हुई है, देखिए उनका कहना यही, काफ़ी बच्चे मैसेज करते हैं कि सर क्या हो सकता है, देखिए अब कुछ नहीं होगा फिलहाल, ठीक है, या तो पीएनपी अब डबल बेंच में से जाने के चांसेस ज़्यादा रहेगा और आगे का प्रोसेस शुरू किया जाएगा। स्टेट रैंक के जस्ट अगले दिन से काउंसलिंग की प्रक्रिया स्टार्ट होगी, तो इसलिए आप लोग बने रहिए। अगर आपने हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन नहीं किया तो उसको ज्वाइन करके हमारे साथ जुड़िए। फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड, आपका दिन शुभ हो।